यहाँ पर थोड़ा दाग करो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बप्पा का श्रृंगार जितना प्यार से करोगे ना, बप्पा उतना ही सुंदर लगेंगे। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डार्क। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ माया, हाँ तुला कॉल केलता मी। अरे या वेळेस पण आपल्या घरी गणपती बसणार आहे। हाँ तो आपने पूरे ग्रुप को मेरे घर पे लेके आना है, ठीक है? फुल डांस विंस करेंगे, मजा आएगा। अच्छा मी बापाची मूर्ती घ्यायला आलोय, तर तुला थोड्या वेळात कॉल बॅक करतो, ठीक है? हाँ चल। आई शपथ, एक से एक काय मूर्ती आहेत बाप्पाच्या। अंकल मुझे घर पे स्थापित करने के लिए मस्त मूर्ति दिखाओ ना। अच्छा आपको बाप्पा की मूर्ति हाँ। चाहिए? बाप्पा की कौन सी मूर्ति चाहिए? ये वाली। बेटा वो तो बिक चुकी है। वो वाली ये 3000 की है। अच्छा तो ये वाली, ये 3500 की। और ये बेटा, ये तो 6000 की है। ओह बाप रे बाप, एक से बढ़कर एक मूर्तियां अंकल। मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ, कौन सी लूँ और कौन सी नहीं। सब कितने अलग अलग है ना, एक जैसी होती तो इतना कंफ्यूजन भी नहीं होता। बेटा बप्पा के 32 अलग अलग रूप हैं, जैसे कि बाल गणेशा, भक्ति गणेशा, शक्ति गणेशा, दिव्य गणेशा, नित्य गणेशा, इसी तरह के 32 रूप होते हैं बप्पा के। और बप्पा के हर एक रूप की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं बेटा। वाह अंकल। हाँ अंकल, ये मुसु कितना छोटा क्यों होता है और बप्पा इसकी सवारी कैसे करते हैं? वाह बेटा, इस बार आपने सही सवाल पूछा है। आपको पता है मूसक वास्तव में इंसान की इच्छाओं का प्रतीक है। वो क्या कहते हैं आपके अंग्रेजी में, डिजायर। मैं उसी डिजायर की बात कर रहा था जो कि इंसान की वश में होना चाहिए, ना कि इंसान अपनी इच्छाओं के वश में। इसीलिए तो बप्पा के चरणों में मूसक का स्थान होता है। वाह अंकल, बहुत बहुत मस्त बताया आपने, आप तो बहुत कुछ जानते हो बप्पा के बारे में। हाँ अंकल, ये बेटा पापा की मूर्ति पसंद आई? मैं आया, मैं कॉल करके आता हूँ। हाँ हेलो, हे मया। अरे जिकडे मी पप्पाची मूर्ती घ्यायला आलो ना, तो एक मुस्लिम आहे। अरे प्रॉब्लेम म्हणजे, अरे त्यांनी आपल्या बप्पाला अशुद्ध केलं ना मग। हाँ ठीक आहे ठीक आहे, हाँ ठीक आहे, चल तू फोन रख, मैं आता हूँ। हाँ चल। मेरे पास पैसे कम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो क्या हुआ, पैसे कम है, बाद में दे देना, आप बप्पा लेके जाइए। नहीं अंकल, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं पूरे पैसे दूंगा तभी बप्पा को ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, सुनो ना, हेलमेट तो लेके जाओ। सुनो बेटा, बेटा ये शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं होता। भगवान ने इस धरती पर सिर्फ इंसान बनाया है, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख ईसाई,
हम इंसानों ने बना डाला है। बप्पा की नजर में हम सिर्फ इंसान हैं। बेटा, बप्पा को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उनका श्रृंगार कोई हिंदू कर रहा है कि कोई मुसलमान। बप्पा की नजर में हम सब बराबर हैं। बाकी बेटा तुम्हारी मर्जी, अगर बप्पा को ले जाना हो तो आ जाना। अंकल मुझे माफ कर देना, वो आपको यहां नमाज पढ़ते हुए देखा तो मैं शॉक हो गया। एक मुस्लिम बापा की मूर्ति बनाता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए मेरे दिमाग में बहुत गलत ख्याल आ गया था, मुझे माफ कर देना। और हाँ, मैं ये बाल गणेश वाली मूर्ति लेके जाऊंगा। और हाँ, पैसे भी रखिए, वो भी पूरे। अभी पूरे पैसे आ गए? हाँ अंकल। ना हिंदू बनो ना बनो मुसलमान, अगर बनना है तो बनो सिर्फ और सिर्फ इंसान।